नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं इंडियन बाइक। दोस्तों वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ो, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम पूरा वीडियो। ऑल न्यू हीरो एक्सपल्स ऑफ रोड 204 भी कलर व्हाइट। दोस्तों इस बाइक में आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, एक्सेंस पावर 200cc ऑयल कूल्ड इंजन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, फुल LED हेडलैम्प्स, 21% ब्राइटर हेडलैम्प्स पहले से, लार्जर डिस्क विथ ABS, 276mm डुअल पर्पज टायर, लार्ज व्हील्स, 220mm हाई ग्राउंड क्लियरेंस, 190mm लॉन्ग ट्रैवल, फ्रंट सस्पेंशन, आप स्विच एग्जॉस्ट, एल्यूमिनियम बैश प्लेट, 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक, 170mm ट्रैवल, रियर सस्पेंशन। दोस्तों इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है 1,30,150 रुपीज़। दोस्तों इस बाइक में आपको जो अपडेट देखने को मिलते हैं, दरअसल वो इंजन में है। पहले इस बाइक में आपको 2 वाल्व मिलते थे, लेकिन अब आपको इसमें 4 वाल्व मिलेंगे। साथ ही इसमें जो मैक्सिमम पावर है दोस्तों, उसमें आपको लगभग 2 BHP की बढ़ोतरी के साथ ही साथ 1 Nm टॉर्क का भी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें जो रेडिएटर है, मतलब कि जो ऑयल कूलर है दोस्तों, उसकी भी साइज़ बढ़ाया गया है पहले से। और साथ ही इस बाइक की जो वज़न है दोस्तों, वो पहले 157 था, अब वो 1 kg बढ़ के 158 kg हो गया है। की फ्रंट साइड सस्पेंशन में आपको यहाँ पर मिलता है टेलीस्कोपिक 37mm टायर विथ डबल ड्यू बूश, 190mm स्ट्रोक, 276mm की पेटल डिक्स, सिंगल चैनल ABS और स्पोक व्हील्स दोस्तों आपको इस बाइक में मिलते हैं। और इस बाइक में टायर सेक्शन में आपको यहां पर मिलते हैं 90x91 21 इंच की ड्यूल पर्पस ट्यूब टायर। बाइक की रियर साइड सस्पेंशन में आपको यहां पर मिलते हैं 10 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन विथ 170mm ट्रैवल। और दोस्तों यहाँ पर रियर साइड में आपको जो स्विंग आर्म मिलते हैं, देखिए कितना हाई क्वालिटी स्विंग आर्म और फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर रियर साइड में 220mm की पेटल डिस्क तो मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ABS नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगल चैनल ABS यूनिट है दोस्तों इस बाइक में। साथ ही दोस्तों इस बाइक में आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको जो टायर मिलते हैं दोस्तों 120x80 18 इंच की ड्यूल पर्पस ट्यूब टायर मिलते हैं रियर साइड में। दोस्तों बाइक की यहां पर आपको देखने को मिलते हैं साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर्स के लोगो, साथ ही यहां पर आपको इंजन किल स्विच, ऑन स्विच और सेल्फ स्टार्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड ही मिलते हैं। साथ ही यहां पर आपको किक स्टार्ट भी मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इस बाइक में यहां पर आपको मिलता है सिंगल बिग साइज हॉर्न, और इसे गार्ड किया गया है एक तार के जरिए, देखिए इससे ये टूटेगा नहीं आसानी से। साथ ही इस तरफ आपको मिलता है बहुत ही मजबूत एक क्रैश गार्ड, और देखिए इसे कितने बेहतरीन तरीके से इसे साइज़ में थोड़ा बढ़ाया गया है पहले से, ताकि आपके जो कूलर सिस्टम है, ऑयल कूलर सिस्टम, ये टूटे ना। और इसकी साइज़ दोस्तों, इस कूलेंट की साइज़ पहले से साइज़ में थोड़ा बड़ा किया गया है, पहले छोटा था, 4B में इसकी साइज़ थोड़ा बिग साइज़ किया गया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें आपको इंजन सेक्शन में मिलते हैं ऑयल कूल 4-स्ट्रोक 4-वाल्व सिंगल सिलेंडर OHC इंजन, मैक्सिमम पावर 19.1 PS और मैक्सिमम टॉर्क 17.35 Nm, FI सिस्टम है दोस्तों। इसमें आपको मिलते हैं मल्टी प्लेट वेट क्लच, 5 स्पीड कॉन्टैक्ट मैच के साथ, 1 डाउन 4 अप। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए 1 डाउन 4 अप गियर पैटर्न इसमें है। दोस्तों इस बाइक में आपको मिलते हाई ग्राउंड क्लियरेंस 220mm की, और उसके साथ दोस्तों ये जो सीट हाइट है 825mm की सीट हाइट आपको इस बाइक में मिलते हैं दोस्तों। साथ ही यहाँ पर आपको मिलते हैं नीचे की ओर देखिए एल्युमिनियम बैश प्लेट, दोस्तों ये बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है, आप नज़दीक से देखिए कितना मजबूत है। इंजन को डैमेज होने से दोस्तों ये हिस्सा बचाएगा।
तो हीरो ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। साथ ही दोस्तों अगर आप रियर साइड में देखते हो एग्जॉस्ट को, तो देखिए ये हिस्सा कितना ऊपर में रखा गया है। तो अब जब बैड रोड कंडीशन में इसे राइड करोगे अपने एडवेंचर के लिए, तब इस पे ना तो पानी और ना फिर इसमें कीचड़ आएगी दोस्तों, तो इससे ये हिस्सा बचा रहेगा। साथ ही इसमें एक फाइबर कैप भी लगा है दोस्तों, ताकि हीट आपके पैरों में ना आए। दोस्तों इस बाइक में आपको फुल मेटल टैंक तो मिलते ही हैं, साथ ही इसमें बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स भी है। देखिए एक्सपल्स लिखा गया इसके ऊपर, टैंक के ऊपर आपको यहाँ पर टैंक पैड भी मिलेंगे। साथ ही दोस्तों 13 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी है। आपको शायद लगे कम है, लेकिन दोस्तों यही ठीक है। इससे ज़्यादा पेट्रोल टैंक अगर हो भी जाए ना, तो बाइक की वज़न बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पेट्रोल आने से वज़न बढ़ जाता है बाइकों के, और फिर उसे लेके भी एक परेशानी होते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपको मिलते हैं ड्यूअल टोन कलर सीट। देखिए सीट कितना लंबा है, और हाँ इसी सीट के नीचे आपको मिलते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। तो दोस्तों है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया। और दोस्तों देखिए सीट बहुत ही लंबा है, और जो राइडर है ना उसके लिए फ्री प्ले कितना ज़्यादा है। इस हिस्से को फ्री प्ले कहा जाता है, इससे आप आगे पीछे खुद को कर पाओगे जब आपके पीछे दर्द होंगे। लेकिन आप जब राइड करोगे उस हिसाब से सीट उतना सॉफ्ट नहीं है, शायद आपको थोड़ा जेल बैग या फिर एयर बैग आपको लगाना पड़े सीट के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर पीछे के हिस्से में आप यहाँ पर कुछ भी फंसा के, मतलब कि बांध के आप कुछ भी इसमें कैरी कर पाओगे। फुल मेटल मेड है दोस्तों ये हिस्सा, और दोस्तों इसमें रबर पैड भी है, तो कुछ भी इससे नहीं गिरेगा, अच्छी तरीके से आप इस पर बांध पाओगे। हालांकि एक्सेसरीज हीरो की ओर से आपको मिल जाएंगे इसी बाइक के साथ। तो बाइक की यहाँ पर आपको मिलते हैं की सेक्शन, इग्निशन काम, स्टीयरिंग लॉक यहाँ से ही होता है दोस्तों। साथ ही इसमें आपको मिलते हैं LCD इंस्ट्रूमेंट पैनल विथ स्मार्टफोन इनेबल नेविगेशन। तो दोस्तों इसमें और कुछ नया अपडेट नहीं है, जो 2 बल्ब में था वो ही 4 बल्ब पे भी है दोस्तों। इस सेक्शन में कुछ भी नया अपडेट अभी तो नहीं है। तो दोस्तों बाइक की बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं फुल्ली LED बैक लाइट, या फिर ब्रेक लाइट, या फिर टेल लाइट। तो दोस्तों ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आई कैचिंग है। और ये जो साइड इंडिकेटर है दोस्तों, इसमें अभी भी बल्ब है, इसमें LED अपडेट नहीं है। बैटरी सेक्शन में आपको यहाँ पर मिलते हैं 12 वोल्ट 6A8 ETZ7 मेंटेनेंस फ्री बैटरी। दोस्तों हेडलाइट पे दोनों तरफ ये छोटे छोटे LED DRL आपको देखने को मिलते हैं। कंपनी का दावा है इस LED हेडलाइट पे आपको मिलेंगे 21% मोर वाइड लाइट। बाइक की हैंडल में दोस्तों आपको यहाँ पर बॉडी कलर्ड नकल गार्ड देखने को मिलते हैं, और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल ठीक ठाक है दोस्तों। हाथ बिल्कुल अंदर तक आपके आराम से आ जाएंगे, इससे पत्थर वगैरह कुछ भी आपकी उंगलियों में नहीं लगेगा जब इसे राइड करोगे। हैंडल बार इंड में आपको मेटल के साथ बेहतर ग्रिप और बहुत ही सॉफ्ट क्लच मिलते हैं। और स्विच सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं ऊपर की तरफ पास बाय, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों साइड इंडिकेटर, और नीचे हॉर्न स्विच, और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। दोस्तों बाइक की राइट साइड हैंडल इंड बार वेट में भी आपको मेटल मिलता है। थ्रॉटल ग्रिप में बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। हैंड ऑपरेटेड हॉर्न ब्रेक भी सॉफ्ट है दोस्तों। यहाँ पर रेड कलर में इंजन किल स्विच, ऑन स्विच और सेल्फ स्टार्ट इंटीग्रेटेड है दोस्तों। सब्सक्राइब बटन भी लाल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, इससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों इस बाइक में आपको रॉड हैंडल बार मिलते हैं, और राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही बेहतर है। इससे आप इस बाइक में बैठ के या फिर खड़े होकर आप इस बाइक को बहुत आराम से राइड कर पाओगे। दोस्तों इसमें आपको मिलते हैं बहुत ही क्लियर एक छोटा सा विंडशील्ड। दोस्तों आपको इस बाइक के साथ मिलते हैं फुल्ली मेटल मेड साड़ी गार्ड और फाइबर मेड एक चेन कवर। और दोस्तों चेन क्वालिटी भी बहुत ही बेहतर है इस बाइक में। एवरी 500 किलोमीटर के बाद चेन को ज़रूर क्लीन और लूप कीजिए, इससे चेन की जो लॉन्गजिविटी है दोस्तों वो बढ़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर रियर साइड में टायर प्रेशर मेंशन किया गया है, हमेशा इसी प्रेशर को रखें, इससे माइलेज और ब्रेक आपको हमेशा बेहतर मिलेंगे। दोस्तों इस 4B मॉडल की जो एक शोरूम प्राइस है 1,30,150 रुपीज़, और आपको बस डाउन पेमेंट करना है 42,000, और आप इस बाइक को लेके अपने घर जा सकते हो अपने एडवेंचर को जीने के लिए। साथ ही दोस्तों इस बाइक में आपको देने होते हैं बहुत ही लो मेंटेनेंस कॉस्ट, और सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस इंडियन बाइक चैनल को। तो दोस्तों हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ, कुछ नए और बाइकों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।